आज मैं आपसे राय और मूली साग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये साग बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो साग बनाने के लिए मैंने राय और मूली साग दोनों मिला कर लिए हैं। राय साग से थोड़ा मूली के साग कम लिए हैं और कोमल पत्ते लिए हैं दोनों का। देखिए इस तरह का, बहुत सख्त पत्ते नहीं लेंगे, नहीं तो साग उतना टेस्टी नहीं बनेगा। ये दोनों साग 800 ग्राम हैं और इतने साग में 2 चम्मच मकई का आटा यूज करेंगे, 1/4 छोटी चम्मच नमक, 2 हरी मिर्च, 1 लाल मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा घिस कर डालेंगे और 1 चम्मच, ये बड़े चम्मच लेंगे, सरसों का तेल है ये। तो साग को पहले से ही मैंने साफ करके 3 बार पानी से धोकर और छान कर ले लिए हैं। अब इसे काट लेते हैं। तो बहुत बारीक और बहुत मोटा मोटा नहीं काटेंगे, इस तरह से काटेंगे। देखिए तो मैंने साग को सारे काट लिए हैं। अब तो चलिए बनाते हैं साग। तो गैस ऑन करके गैस पर पैन रख कर तेल रख लिए हैं। तेल को गर्म होने देते हैं, फिर इसमें लाल मिर्च और हरी मिर्च डालकर इसे पकाएंगे। तो तेल गर्म हो चुका है तो लाल मिर्च और हरी मिर्च पहले डाल लेते हैं। इसे थोड़ी देर पकने देते हैं, फिर जीरा डालेंगे। अब इसमें जीरा डालते हैं और जीरा को चटकने देंगे, फिर साग डालेंगे इसमें। तो देखिए जीरा चटक चुका है, अब इसमें साग डालते हैं। तो साग एक ही बार में एक कढ़ाई में नहीं जाएगा, तो हम इस पहले आधा डाल लेते हैं, फिर इसे थोड़ा चलाते हुए पका लेंगे, फिर इसमें डालेंगे दोबारा। तो आधा साग डाल लिए हैं, अब इसे इस तरह से चलाते हुए इसे पकाएंगे। थोड़ा गल जाए साग तो फिर बाकी का ये डाल लेंगे। तो देखिए कढ़ाई में अब जगह बन गया है, तो अब दोबारा जो बाकी है वो भी डाल लेते हैं, फिर पकाएंगे इसे ढककर। तो अब साग को डाल लिए हैं, अब इसमें नमक डाल लेते हैं और अदरक जो घिस कर रखे हैं वो डाल लेते हैं। तो अब इसे ढक देते हैं एक कवर से और इसे धीमी आंच पर 2-3 मिनट पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो साग को ढककर बीच बीच में चलाते हुए 3 मिनट पका लिए हैं। ये साग ऑलमोस्ट पक चुका है। अब इस स्टेज पर हम मकई का आटा डालेंगे जो हमने रखे हैं। यदि आप मकई का आटा डालना नहीं चाहते हैं तो आप इसे फुल फ्लेम पर 1 मिनट और पका लीजिए, साग रेडी हो जाएगा। और मकई का आटा डालने से और साग टेस्टी बनता है। मैं ऐसे ही सादा भी पकाती हूँ और मकई का आटा डालकर भी पकाती हूँ, तो मुझे मकई का आटा डालने के बाद और टेस्टी लगता है साग। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक ही बार में नहीं डालेंगे आटा, नहीं तो लम्स पड़ जाएगा। एक बार अच्छी तरह से मिलाकर फिर 1 चम्मच डालकर फिर मिलाएंगे और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे इस तरह से। इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट पका लेते हैं इस तरह से चलाते हुए। और साग देखिए कितना अच्छा लग रहा है कलर देखने में, खाने में तो इतना टेस्टी लगता है। किसी के साथ भी आप खाइए, रोटी चावल। तो अब ये साग रेडी हो चुका है, गैस बंद कर देते हैं। पास से दिखाती हूँ ये साग, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। इसे गर्मा गर्म रोटी चावल और किसी मनपसंद डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप ये ज़रूर बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।